Dear students, welcome to this lecture of class plus one from the unit states of matter. और इस lecture के अंदर हम very important topic discuss करेंगे और ये topic है हमारा intermolecular force. इस word से ही हमें इसके बारे में पता चल रहा है. Inter का मतलब होता है between और molecular का मतलब होता है molecules से. तो जो force of attraction molecules के बीच में exist करती है उसे हम intermolecular force बोलते हैं. इसकी कुछ types हैं जैसे dipole-dipole interaction, ion-dipole interaction, ion-induced dipole interaction और dipole-induced dipole interaction, dispersion force और hydrogen bonding. इस लेक्चर के अंदर हम एक एक करके इन फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डाइपोल इंट्रैक्शन को. तो इस वर्ड से ही हमें इसके बारे में पता चल रहा है. अगर हम डाइपोल को देखें तो इसका मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल से है. तो यहाँ पर दो बार डाइपोल वर्ड आया है. इसका मतलब इस तरह की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है. हम कह सकते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HCl का. अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. इसलिए क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पोल क्रिएट हो जाएंगे. और एक जो यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव पोल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जिसके कारण यहाँ पर दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा. इस तरह का जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में उसे हम डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं. और डाइपोल इंट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल. जितनी पोलरिटी ज़्यादा होगी उतना ही स्ट्रोंगर फोर्स होगा. और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के ऊपर. जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही वहाँ पर चार्ज ज़्यादा क्रिएट होगा उसके अंदर और उतने ही डाइपोल इंट्रैक्शन स्ट्रोंगर होगी. नेक्स्ट टाइप हम ले रहे हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन. तो आयन की डाइपोल के साथ इंट्रैक्शन, डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन. तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करती है उसे हम आयन डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं NaCl डिजोल्ड इन वाटर. जब हम NaCl को वाटर में डालते हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के अंदर टूट जाता है. अब देखो दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है तो ये दोनों आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेते हैं. वो इसलिए नहीं कर लेते हैं क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल इन आयन्स के अराउंड एक लेयर की फॉर्मेशन कर देता है. देखो इस तरह से Na पॉजिटिव आयन के अराउंड लेयर इस तरह से बनेगी कि ऑक्सीजन एटम मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव पोल है वो सोडियम आयन की तरफ होगा और क्लोरीन आयन के अराउंड इस तरह से लेयर बनेगी कि जो वाटर है उसका हाइड्रोजन एटम क्लोरीन आयन की तरफ होगा. मतलब एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पर और इस तरह से लेयर बनने के कारण ही यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन आयन एक दूसरे के साथ जुड़ने नहीं पाते हैं और यहाँ पर आयन और डाइपोल के बीच में मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है. ये अट्रैक्शन फोर्स कुछ बातों के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज ऑन आयन के ऊपर, साइज ऑफ आयन के ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट के ऊपर और साइज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर. जैसे अगर हम एक कैटायन और एनायन को ले लें तो जो कैटायन है उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा क्योंकि जो कैटायन है उसका साइज स्मॉल होता है. इसलिए कैटायन
और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो स्ट्रोंगर अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइप ले रहे हैं, और नेक्स्ट टाइप है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। देखो आयन के बारे में तो पता ही है, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल वर्ड जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब होता है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। डाइपोल का मतलब पोलर मॉलिक्यूल से है और इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से है। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एक आयन के बीच में लगती है उसे हम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रेट आयन और आयोडीन के बीच में। तो इस तरह से ये नाइट्रेट आयन है और ये आयोडीन है जो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों आयोडीन एटम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन जब नाइट्रेट आयन इसके पास आएगा तो ये नाइट्रेट आयन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा और जिसके कारण यहाँ पर पोल क्रिएट हो जाएंगे। जिस तरफ नाइट्रेट आयन होगा उस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इस तरह से एक आयन और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये अट्रैक्शन फोर्स कुछ बातों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे चार्ज ऑन आयन, जितना चार्ज ज़्यादा होगा आयन के ऊपर उतना ही यहाँ पर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि उतना ही स्ट्रॉन्गली से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। दूसरा, ईच विद विच नॉन पोलर मॉलिक्यूल गेट पोलराइज्ड, जितना आसानी से नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा यहाँ पर, उतनी ही आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट टाइप है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल, डाइपोल रिप्रेजेंट करता है एक पोलर मॉलिक्यूल को और इंड्यूस्ड डाइपोल रिप्रेजेंट करता है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगती है उसे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ए बी कोई पोलर मॉलिक्यूल है, ये नोबल गैस के पास आया, नोबल गैस क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो एक पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा। देखो अगर पॉजिटिव पोल है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और जिसके कारण यहाँ पर इमेजिनरी डाइपोल क्रिएट हो जाएगा और इस तरह से जो अपोजिट पोल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है ये कुछ बातों के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, कितना स्ट्रोंगर डाइपोल है, जितना ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा उतनी ही डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और दूसरा, ईज ऑफ पोलराइजिबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कितना आसानी से पोलराइज हो सकता है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, नोबल गैसेस गेट पोलराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, इनके बीच में यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन लगेगी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइप ले रहे हैं, और नेक्स्ट टाइप है लंदन फोर्स, जिसे हम डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। इस फोर्स के बारे में फ्रिट्ज लंदन ने बताया था 1930 के अंदर, और फ्रिट्ज लंदन के नाम पर ही इस फोर्स का नाम रखा गया है लंदन फोर्स। और ये फोर्स लगता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे नोबल गैसेस हैं उनके अंदर लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स लगता है। अब नोबल गैसेस में तो कोई पोल होते ही नहीं तो फोर्स किस तरह से लगेगा वहाँ पर। तो जो फ्रिट्ज लंदन है उसने बताया कि जो नोबल गैसेस हैं उनके अंदर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करते हैं तो रिवोल्व करते करते वो एक मोमेंट के लिए एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और जिसके कारण वहाँ पर इमेजिनरी डाइपोल क्रिएट होता है
और जिसे हम मोमेंट्री मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वहाँ पर क्रिएट होगा। अब एक मॉलिक्यूल के ऊपर पोल क्रिएट हो गए तो ये क्या करेगा, दूसरा जो वहाँ पर एटम है नोबल गैस का उसको पोलराइज कर देगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोमेंट्री डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है और इसी फोर्स को हम लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जितना बड़ा साइज होता है उतना ही लंदन फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वहाँ पर वो लार्जर हो जाएगा और ईजिली से डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ईजिली से डिस्टर्ब या कह सकते हैं डिस्टोर्ट, मतलब एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा वो। जैसे एग्जांपल ले लिया हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14 का एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया, CH4, SiH4, GeH4। तो जैसे हम कार्बन से सिलिकॉन से जर्मेनियम की तरफ जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है मतलब वहाँ पर लंदन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, और लंदन फोर्स इंक्रीज हो रहा है इसलिए इनका बॉयलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। ये थे हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्स। थैंक यू।